राजधानी जयपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण किया गया। इससे शिक्षक एवं पुलिस जवानों के आवास का सपना साकार हुआ। इससे पहले प्रताप नगर के सामुदायिक भवन का निरीक्षण यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया। इसके बाद मंत्री धारीवाल ने शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण किया। जयपुर में शिक्षकों और पुलिस जवानों के आवास का सपना 2 साल में आवासन मंडल ने पूरा किया। आपको बताया, लोकार्पण के साथ ही मंत्री धारीवाल ने आवंटियों को फ्लैट की चाबियां दी। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने की। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। आकुवदय समारोह में मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने योजना की जानकारी दी। मंत्री धारीवाल ने परियोजना से जुड़े आवंटियों को फ्लैट मिलने पर बधाइयां दी। योजना मुख्यतः मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि शिक्षकों और प्रहरियों का समाज में जो योगदान है, जो महत्व है, जो भूमिका है, उसको यथोचित सम्मान दिया जाए। माननीय नगरीय विकास मंत्री जी ने भी इसमें मार्गदर्शन खूब दिया और हमने कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद इतनी बड़ी योजना जो कि 576 फ्लैट्स की योजना है, जो कि 600 मीटर में फैली हुई है, जिसमें 6 टावर हैं, प्रत्येक टावर में 96 फ्लैट हैं, तो इतनी बड़ी योजना और उसमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो ओपन जिम हो, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हो, कम्युनिटी स्पेस हो, विजिटर लाउंज हो। मैं कहता हूं, जो भी आप निजी क्षेत्र के बिल्डर्स की योजनाओं में जो भी सुविधाएं मान सकते हैं, जान सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, वो सब सुविधाएं आपको यहां मिलेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और मुझे इस बात का गर्व है। हमारे सारे अधिकारी, साथी, कर्मचारी और हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स सबका मिला जुला प्रयास रहा है कि हमने इतने कम समय में कोरोना की चुनौतियों के बावजूद इसको पूरा करके दिखाया है।